हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की मकबूल तरीन अदाकारा जिया प्रादा को अदालत ने 6 माह कैद की सजा सुना दी। जिया प्रादा 70, 80 और 90 की दहाई में हिंदू और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की सबसे मकबूल अदाकाराओं में से एक हैं। वो अमिताभ बच्चन समेत बॉलीवुड के नामवर अदाकारों के साथ काम कर चुकी हैं। बॉलीवुड की सीनियर अदाकारा जिया प्रादा को भारतीय अदालत ने कई साल पुराने मुकदमे में 6 माह कैद की सजा सुना दी है। जिया प्रादा पर इल्जाम था कि उन्होंने अपने थिएटर मुलाजमीन को मुआवजा अदा नहीं किया था। 61 साल जिया प्रादा और इनके बिजनेस पार्टनर्स भारतीय रियासत चेन्नई में फिल्म थिएटर के मालिक थे, लेकिन नुकसान की वजह से उन्होंने चंचल कबल थिएटर बंद कर दिया था। थिएटर के मुलाजमीन ने जिया प्रादा और 2 साथियों के खिलाफ गवर्नमेंट लेबर इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में दरख्वास्त दायर की थी कि इनकी तनख्वाह से एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस की रकम काटी जाती थी, जो गवर्नमेंट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में जमा नहीं करवाएगी। बाद में कॉरपोरेशन ने अदाकारा और इनके पार्टनर्स के खिलाफ अदालत में मुकदमा दर्ज करवा दिया था। अदालत ने केस की समाप्त करते हुए जिया प्रादा और इनके 2 बिजनेस पार्टनर्स राम कुमार और राजा बाबू को 5,000 जुर्माने के साथ 6 माह कैद की सजा सुना दी। केस की समाप्त के दौरान अदाकारा ने अपने ऊपर लगे तमाम इल्जाम कबूल किए और मुतासरीन को जल्द रकम अदा करने का वादा किया था, और साथ ही उन्होंने केस को खारिज करने की अपील की थी। ताहम इस अपील को खारिज करते हुए इन्हें 6 माह जेल और जुर्माने की सजा सुना दी गई है।